They are not entertainment only. They need to be taken care properly और उनकी health reflect करती है कि हमारा mindset कैसा है। Zoo का मसला है कि उनके पास expert qualified staff नहीं है। क्या कुछ उनसे अच्छे बेहतर तरीके से सलूक हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ लोग जो थे administration में से या जहाँ पर भी हमें नहीं मालूम वो दवाइयाँ दे रहे थे बिल्लियों को, उनको बाहर फेंक रहे थे कैंपस से। Doesn't make any sense. It's actually very tragic और ऐसे लग रहा है कि हम वापस old days में चले गए हैं। कोई इनके पास doctors, medicine इस तरह की चीजें available हैं? मैंने evidence collect किया, वहाँ पे photos ली कि पानी में बोतलें गिरी हुई हैं, पूरा vicinity गंदी है। एनिमल राइट्स के बारे में पूरी दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट्स हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि शायद ये जानवर हमसे पहले इस दुनिया में मौजूद थे, इनका भी उतना ही हक है, लेकिन क्या हम इनके हकूक का ख्याल कर रहे हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर शायद उस तरह की सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं की गई। लम्स के कुछ बच्चों ने एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी वहाँ पर बनाई जिसका मकसद ये था कि लम्स के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन ये मूवमेंट जरा बड़े पैमाने पे चली गई और रिसेंटली एक रिट पिटिशन इन्होंने फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसका मकसद ये था कि जो लाहौर का जू है उसके अंदर जानवरों की हालत बड़ी खराब है। और हमने देखा कि इस्लामाबाद में रिसेंटली जो मरगला जू था उसमें कवान की कहानी पूरी दुनिया में पहुंची, इससे पहले कि लाहौर के जू के अंदर मौजूद जानवर जो है उनकी कहानी भी पूरी दुनिया में वायरल हो। इन बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम लोगों को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताएं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, और अगर आप नहीं तो हम तो हैं। आज उस मूवमेंट के जो दो बड़े एक्टिव मेंबर हैं वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ हैं अल्तमश सईद। अल्तमश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आयमा निसार। आयमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि जो लम्स के अंदर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी आपने बनाई, इसका मकसद, आपने मुझे बताया कि बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे, किस तरह के जानवर हैं ये तो मुझे बताएं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जानवर जो हैं उसका ज़रा तफसील बताएं। जी जी, एक तो स्टूडेंट्स तो हैं। देखा, यू गॉट माई लाइन एक्चुअली, जो मैं, लेकिन स्टूडेंट्स आके जोक साइट, जो जानवर वहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या? जी जी, कम्युनिटी है वहाँ काफ़ी डाइवर्स ही, जानवरों की भी कम्युनिटी है। देयर इज कैट्स, देयर इज मोर है, शुतुरमुर्ग है। अच्छा, कैट्स है, ये स्टूडेंट्स साथ लेके आते हैं, उनके पेट्स हैं, ये क्या है? पेट्स नहीं है वहाँ पर, दरअसल जब से यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ पर कुछ बिल्लियाँ थीं, अब उन्हीं की कम्युनिटी जो है वो बढ़ती गई है। तो क्यों आपको, जो जब आपने ये सोसाइटी बनाई तो इसका मकसद ये था कि आप इनको लुक आफ्टर करें, इनका ख्याल करें, या कुछ इन पर ज्यादती हो रही थी उसका भी आपने नोटिस लेना था? दोनों चीज़ें जो सच है वो यही है कि हम ख्याल तो हम रख रहे थे खुद से भी इन जानवरों का, मगर थोड़ा सा ये हो रहा था, डेढ़ एक साल पहले हमने ये नोटिस किया कि जानवर कम हो रहे हैं। तो पता हमें ये लगा कि कुछ लोग जो थे एडमिनिस्ट्रेशन में से या जहाँ पर भी हमें नहीं मालूम वो दवाइयाँ दे रहे थे बिल्लियों को, उनको बाहर फेंक रहे थे कैंपस से। क्यों, जानवरों से नफरत थी उनको या कोई मजहबी पहलू था, क्या था? मजहबी पहलू शायद था, या शायद ऑनेस्टली ये था कि हमारे कैंपस की लुक खराब हो रही है जानवरों से। जी जी हाँ, या पता नहीं पॉपुलेशन गंदगी फैल रही है या क्या हो रहा है, हालांकि इंसान भी कुछ खास। अल्तमश, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज के अंदर जानवर मौजूद होते हैं और ये जो एक नेचुरल ग्रोथ है उसको हम रोकते नहीं। मैं बाहर के जो बड़े कैंपसेस हैं, हमारे यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस छोटी हैं, बाहर बहुत बड़े कैंपसेस होते हैं और वहाँ पे हमें इस तरह के बेशुमार जानवर नज़र आते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स ने और टीचिंग फैकल्टी ने उनको अडॉप्ट किया होता है। Isn't like something very serious कि यहाँ पे हम बिल्लियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दें या उनको मारना शुरू कर दें? सर, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रैजिक। एक तो ये जानवर वॉइसलेस हैं, बोल नहीं सकते, तो देर हैज़ टू बी समबडी टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और हम, ये आप जानवर की बात करें कि इनको मार देना चाहिए, आपको कैसे ये ह्यूमन एक्टिविटी लगती है? डज दिस लुक ह्यूमन फॉर अ ह्यूमन टू एक्चुअली किल एनिमल्स for anything? Doesn't make any sense. It's actually very tragic और ऐसे लग रहा है कि हम वापस old days में चले गए हैं, उस ज़माने में कि जानवरों को मारना पड़ रहा है, हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि उनकी जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है। पर हमें एक बात, एक समझ नहीं आ रही बात कि जानवरों से हम रिलेटेड हैं, there's a linkage between us two, और अगर हम इस लिंक को ब्रेक करेंगे एट सम टाइम दिस विल अफेक्ट अस वेरी बैडली। अल्तमश, जब आप लोगों ने एक स्टैंड लिया कि द क्रुएल्टी अगेंस्ट दीज एनिमल्स एक्चुअली
दैट शुड बी स्टॉप. तो क्या हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कुछ कोई रोल प्ले किया? सर एक्चुअली हमने ये सोसाइटी बनाई ही 1 साल पहले है और हम स्टूडेंट्स अब फाइनल ईयर के, हमें 4-5 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी में. हम एनिमल्स की बहुत ट्रीटमेंट खुद ही कर रहे थे, हमें सपोर्ट उस तरह की नहीं मिल रही थी जो हम चाह रहे थे. तो फंडिंग का हमें बहुत मसला आ रहा था. हम ये सोसाइटी अभी अपने फंड से चला रहे हैं. दिस जस्ट आर हार्ट्स एंड दोज एनिमल्स. अच्छा, मैं मुझे आप बताएं कि क्या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी तादाद में आपके साथ सपोर्ट है या चांद दिख हैं? द नंबर इज़ अ मीगर एक्चुअली. इट्स गेटिंग बेटर, कंसिस्टेंटली इट्स गेटिंग बेटर. आई थिंक अब कोई 60 के करीब हमारे पास मेंबर्स तो हो गए हैं, मगर टू द गुड थिंग इज़ कि जो स्टूडेंट बॉडी है उन्होंने भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. ये हमने नोटिस किया और हमें बहुत खुशी हुई कि जब हमने जानवरों का ख्याल रखना शुरू किया, हमने कहना शुरू किया उन्हें खाना दे दें, यहाँ पर उन्हें खाना दिया करें, ये उनकी अकोमोडेशन है, उन्हें मारा मत करें, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कोऑपरेशन बढ़ रही है. कोई खास किसी बिल्ली से किसी को प्यार जैसे होता है कि ये मेरी बिल्ली है, ये मेरा कबूतर है, कुछ इस तरह का है वहाँ? मुझे तो डेफिनेटली है. और अच्छा, आपकी बिल्ली है वहाँ पे, कौन सी, कोई नाम रखा हुआ है उसका? पाब्लोस का नाम है. पाब्लोस उसका. और आपने भी कोई किसी को अडॉप्ट किया हुआ? हाँ, मेरे घर एक्चुअली 5 बिल्लियाँ हैं. एक बिल्ली बेसिकली शी वाज अबाउट, आपने लम्स लेके गए थे? अच्छा, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम रखे ना उनका, लम्स की बिल्लियाँ घर आ गई, घर की बिल्लियाँ लम्स चली गई, ऐसा भी हो रहा है? अच्छा आइडिया. अच्छा, ओके. अच्छा, मुझे अल्तमश आप बताएं कि अभी एक रिट पिटिशन आपने लाहौर हाई कोर्ट में पुट अप की और उसका मकसद ये था कि जो हमारे यहाँ पे जू हैं उनके अंदर जो जानवर हैं उनकी हालत बेहतर की जाए, उनकी जो इन्वायरमेंट है, लिविंग इन्वायरमेंट है, वो बहुत पथेटिक है. हम जिस तरह मैंने इस्लामाबाद का वाकया भी आपको बताया कि यहाँ पर भी जो जानवर हैं जब आप जाते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दे आर नॉट एंटरटेनमेंट ओनली, दे नीड टू बी टेकन केयर प्रॉपरली और उनकी हेल्थ रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा माइंड सेट कैसा है. टेल अस बिट अबाउट दिस रिट पिटिशन. सर देखें, रिट पिटिशन इज एक्चुअली अबाउट एनिमल्स जो लाहौर जो में रह रहे हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है. बेसिकली इट स्टार्टेड आउट एज एन आइडिया बिकॉज आई एम अ लॉ मेजर एंड आई अंडरस्टैंड लॉ की बहुत पावर होती है. तो वर्किंग एज अ ट्रेनी फॉर कटाना लॉ चैम्बर, दे गेव मी अपॉर्चुनिटी. कटाना के साथ आप काम? ठीक है, ठीक. दे गेव मी एक्चुअली एन आइडिया कि तुम एनिमल्स के लिए प्रोटेस्ट इतनी कर रहे हो, आई बीन डूइंग प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, पर कुछ निकल नहीं रहा था उससे. तो ही टोल्ड मी यू हैव द पावर ऑफ द लॉ, चैनलाइज इट, गो टू द कोर्ट. तो फिर आई वेंट टू द लाहौर जू, मैंने एविडेंस कलेक्ट किया, वहाँ पे फोटोज ली कि पानी में बोतलें गिरी हुई हैं, पूरा विसिनिटी गंदी है. हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, नॉट ओनली लाइक के जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की जरूरत है, जो विजिटर्स हैं वहाँ पे भी एक डिटर क्रिएट करने की जरूरत है कि हम जो चीज़ खाते पीते हैं उठा के फेंक देते हैं. एग्जैक्टली, राइट. ये इससे हमारी इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होती है. तो आफ्टर गेटिंग ऑल दैट रिसर्च डन, आई ड्राफ्टेड दिस रिट. मैंने लॉ की रिसर्च की बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट. और ये पूरी रिट में हमने बेसिकली पंजाब के रूल्स हैं 2012 के, उसमें काफ़ी रेगुलेशंस दी हुई हैं जू को फॉलो करनी है. उसमें कुछ ऐसे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जानवरों के मीट करने चाहिए, आपको उनको पानी प्रोवाइड करना चाहिए, आप उनकी ट्रीटमेंट दें, आप कोई ऐसा एनिमल डिस्प्ले ना करें जो कि सिक लगे. लाहौर जू में एक भालू है जो कि बहुत सिक लगता है, आप उसको जाके देखेंगे ऐसे लगेगा मरने वाला है. अच्छा, नहीं तो आपने थोड़ा सा उसका फॉलो अप लिया कि क्या उसकी उसको प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसका ये ख्याल करें, कोई इनके पास डॉक्टर्स, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इस पर काफ़ी फीडबैक किया था. आई एक्चुअली जिस दिन मैं जू गया था उसे अगले महीने ही मैंने उनके लिए लेटर ड्राफ्ट किया था, सारे लॉज लिख के दिए थे, उनको पूरी रेगुलेशन समझाई थी कि आपकी ये चीज़ें ठीक करें, ये आपकी जिम्मेदारी है. उन्होंने उसका मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया. I got no response for that letter. Right. Then I was forced to actually go to the High Court. आयमा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों के घरों में पेट्स मौजूद हैं, हमारे पास जू हैं जहाँ पे जानवर मौजूद हैं. ओवरऑल जब से आपने काम करना शुरू किया, आपको क्या रियलाइजेशन हुई कि किस तरीके से जानवर को ट्रीट किया जा रहा है? मैं एक जनरल सी पिक्चर जो है आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ उनसे अच्छे बेहतर तरीके से सलूक हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर पेट्स का तो एक अलग थोड़ा सा हिसाब होता है बिकॉज पीपल डू लव देयर पेट्स. तो वो डेफिनेटली चाहे उन्हें केयर नहीं करनी आती है लॉजिस्टिकली, वो कोशिश करते हैं, ठीक है, उन्हें प्यार देते हैं बिकॉज आखिर पेट्स भी एक जानदार हैं, तो उनको उस भी वो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है. सो पेट्स आर प्रॉपरली टेकन केयर. हाँ, ठीक है. लेकिन नाउ गेटिंग टू द जू, इस तरह की जो जगह है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है या किस तरह की एक फीलिंग आती है? द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज के इंसान काइंड नहीं होते हैं जानवरों के साथ, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उनके साथ काइंड हों. क्योंकि हम यही करते हैं कि अपने दिन में हम मसरूफ़ होते हैं, जा रहे होते हैं, बीच में जानवर आ गया, हमें वो इंटरप्शन लगती है, हमें ये नहीं लगता ये हमारे दिन का हिस्सा है, चलो हम इसकी मदद कर दें. या मदद नहीं करनी, कम अज़ कम उसके साथ हम क्रूल ना हों,
ये इंसानों में नहीं है, धक्के मारेंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं हम ये करते? आप बच्चे जो हैं, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि यू स्टार्टेड दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट को अगर एक लेवल हम ऊपर लेके चलें कि लाहौर जू के अंदर जितने जानवर हैं वो डिफरेंट स्कूल्स अडॉप्ट कर लें. अगर एक लम्स है, लम्स ने अगर कोई चीता अडॉप्ट कर लिया हुआ है, और कुछ जिस तरह भालू की बात कर रहे थे, एलजीएस के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भालू को अडॉप्ट कर लिया, देयर इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन अमंग द इंस्टीट्यूशंस आल्सो, प्लस उनकी हेल्थ बेहतर होगी. कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि जब आप अल्तमश ने बड़ी अच्छी बात की कि उनकी आवाज़ नहीं, जब हम उनकी आवाज़ बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट नेग्लेक्ट. एक्चुअली यू नो दे आर बाउंड टू डिलीवर दैट. Do you think it's a good idea कि हम जानवरों को adopt करें वहाँ पे? Definitely, I think it's a good idea. It's a feasible idea. और इसी से जब लोग मिलकर किसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं तभी ये होता है कि जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं वो फिर कुछ कह नहीं पाती हैं. अल्तमश, इस रिट पिटीशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई प्रेशर क्रिएट होगा? कोई किसी जगह पे कुछ बेल्स रिंग करेंगी? सर, उम्मीद तो मुझे एक्चुअली है, लॉस है कि आवाज सुनी जाएगी. हमारे जज बेसिकली जज शाहिद वहीद ने हमारी पिटीशन बिल्कुल, बड़े जबरदस्त जज है, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो. तो उन्होंने हमारी पूरी रिट सुनी, हमारे सारे कमेंट्स उन्होंने हमसे आर्ग्यूमेंट्स किए, फिर उन्होंने डायरेक्टर जू को बुलाया, उसको कहा कि आप इनके सारे सवालों के जवाब दें. अच्छा, आपको एक बड़ी मज़े की मैं बात बताऊं कि जिस तरह हम लम्स में भी मैं आयमा से मजाक में बात कर रहा था कि किस तरह के जानवर वहाँ पे हैं. आपको पता है कि जू के प्रेमिस जो है उसके साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं. इट्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द आयरोनिक. रियली, आप जब जू के प्रेमिसेस में जाएं, आप एंटर हों तो वो जू के अंदर ही, जू के प्रेमिसेस के अंदर ही राइट साइड पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी है. आपने तो ये भी कहा कि इसको शिफ्ट कर दें यहाँ से. बिल्कुल, मैंने कहा शिफ्ट कर दिया तो चीफ मिनिस्टर तो उस जू में अकेला बैठ जाएगा वहां पे. I'm sorry, but ये करना पड़ेगा for the, उन्हें करना पड़ेगा for the animals. It has to be given for the जो बड़े जानवर हैं उनके लिए खाली करना पड़ेगा. बिल्कुल. अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं on a serious note कि यहाँ से शिफ्ट करने का मकसद क्या है? सर देखें, एनिमल्स का एक प्रॉपर हैबिटेट होता है, उनकी एक इन्वायरमेंट होती है, उनकी नीड्स होती हैं, वो आपको उनको देनी होती हैं. जू का मसला है कि उनके पास एक्सपर्ट क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है. अगर ये चीज़ नहीं है तो एनिमल बेसिकली मरने के लिए आया जू में. ठीक है, तो उससे बेहतर है उसको उसके हैबिटेट में वापस भेजो, सेंड हिम टू द जंगल और समवेयर वी कैन ही बी एन एनिमल. ठीक, इन हिज ओन कंडीशंस, तो वो बहुत जरूरी है. ठीक ठीक. आई एम वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, आप कंपैरिजन करें हमारे जू का और बाहर के जू से. अगर आप आपको सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हो और वहाँ पे आप सफारी देखें या आप अफ्रीका में देखें और जो हमारे, तो क्या लगता है कि कहाँ पे हम फॉल करते हैं? जिस तरह हम करप्शन में बहुत नीचे हैं, यहाँ पे भी हम जानवरों के मामले में मुझे लगता है बहुत नीचे हैं. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हाँ. और ज़्यादा डिफरेंसेस आई थिंक इसी में आ रहे हैं, लाइक आई सेड कि हम काइंड नहीं होते और उसकी जो उसकी वजह से ये होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर के जूज में स्पेस बहुत ज़्यादा दी जाती है जानवरों को, जो बड़े जानवर होते हैं. हर जानवर का फ़र्क हैबिटेट होता है, राइट? तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे से केजेस में सारे जानवरों को बंद किया हुआ है. उसके अलावा खाना पानी जो उनका है वो उनको जिस मकदार में देना चाहिए वो हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं उनको. उसके अलावा जो है उनकी केयर हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं. कूड़ा खा रहे होते हैं यहाँ पर जानवर, प्लास्टिक बैग्स खा रहे होते हैं. दैट्स जस्ट, दैट्स सो ईजिली फिक्सेबल ऑल्सो. इट्स समथिंग जो आप छोटे से एक आप चेंज ले आओ तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं. इट वॉज सो अमेजिंग टू हैव दिस यंगस्टर्स ऑन माई शो. और आज हमने जो बात की, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ मेनी प्रोग्राम्स डेट वी आर गोइंग टू डू ऑन दी एनिमल राइट्स. एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि जानवरों के हकूक क्या हैं, उनको किस तरीके से लुक आफ्टर करने हैं. और नॉट ओनली वी विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक, वी आर गोइंग टू बी अ बस फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो कि प्लीज़ यू स्पेयर सम फंड्स. आज जब मुझे इन्होंने बताया कि लाहौर जू के अंदर जितने पैसे जनरेट होते हैं उसमें से 20 मिलियन सरप्लस बच जाता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, और जो स्पेंड करते हैं उसमें से भी 60-70% तनख्वाहों पे चला जाता है. प्लीज स्पेंड दैट मनी ऑन द एनिमल, दे डिजर्व दैट मनी. नॉट ओनली दैट मनी, दे डिजर्व योर अटेंशन ऑल्सो. लुक आफ्टर दैम, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर दैम, ट्रस्ट मी, खुदा भी खुश नहीं होगा और लोग भी खुश नहीं होंगे. थैंक यू वेरी मच.